खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से मोहम्मद अमीन सीईओ की रिपोर्ट के मुताबिक। अपडेट कर रहे हैं मोहम्मद अमीन साहब। जी अमीन साहब, जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन सीईओ। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में फातिमा मलिक वेलफेयर ट्रस्ट के ऑफिस। आज हम आपको ये दिखाएंगे कि फातिमा मलिक वेलफेयर ट्रस्ट ने कहाँ से आगाज किया, इनकी सोच क्या थी, इनके ख्याल क्या थे। जी अस्सलाम वालेकुम। मैडम जी, आप हमें ये बताएंगे कि आपने ये टेस्ट बनाई है, आज के दौर में घर चलाना बहुत बड़ी बात है, तो आप इतना बड़ा टेस्ट चला रही हैं, गरीब लोगों को आप राशन भी दिए, आज आपने हज़ारों की तादाद में इधर अपने इफ्तारी भी लोगों की करवाई है, इसके हवाले से आपकी हमें मैसेज देना चाहेंगे, बताएंगे आप। इसके हवाले से मैं ये बताना चाहती हूँ कि तकरीबन 8 साल का अर्सा हो गया इस टेस्ट को हम चला रहे हैं, जिसमें फ्री एजुकेशन सिस्टम, ट्रेनिंग सेंटर, इसके साथ साथ जो है मजदूर लोगों के लिए व्हील चेयर, मिसाइलियाँ और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो वो मतलब के नहीं खरीद सकते, हमारा फार्मा ट्रस्ट उनको खरीद कर दे रहा है। बहुत से बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, बहुत से बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो इस तरह है कि कोरोना के मामला जब हुए, ट्रस्ट के हवाले से तमाम लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए, हमारे ट्रस्ट को एक वक्त ऐसा आया कि चलाना बहुत मुश्किल था। तो अल्लाह पाक ने पाक कश्मीर हाउसिंग प्रोजेक्ट के इनको हमारी मदद के लिए भेजा। आज तीसरा साल है, इन्होंने जब देखा कि ये इदारा वाकई जैसे पर काम कर रहा है तो इन्होंने हमारा साथ दिया। ये हमने इन्हें प्रेसिडेंट रावल पिंडी का अहदा दिया। 3 साल से ट्रस्ट में जिस किस्म की भी माली मदद की ज़रूरत हो, जिस किस्म की भी मदद की ज़रूरत हो, सरदार साहब ने हमें की, मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ और इनके साथ भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारे ट्रस्ट के साथ 3 साल से जो है बहुत ज़्यादा कॉपरेट किया है। और इससे ट्रस्ट के आज जो है हम लोगों ने तकरीबन यकम रमज़ान से लेके इस टाइम तक अल्लाह पाक की हिम्मत देता है तो इंसान की क्या औकात है, तो अल्लाह ने हमें हिम्मत दी, हम 13 रमज़ान तक अपनी तमाम टीम के साथ जो है मिल के इसको चला रहे हैं और इंशाल्लाह 30 रमज़ान तक इसको चलाएंगे। अभी हमने आज तकरीबन 40-50 बेरा औरतों को राशन दिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट अभी हम 30 रमज़ान तक दोबारा इस प्रोग्राम को बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। मैं एक बार फिर आपको बताती हूँ कि सरदार साहब ने बेघर लोगों के लिए घरों का इंतज़ाम किया, पाक कश्मीर हाउसिंग प्रोजेक्ट में फातिमा ब्लॉक बनाया गया जिसमें उन्होंने बेवा औरतों, यतीम, किराएदार लोगों के लिए फ्री प्लाट दिए, जैसे 1.5 लाख गर्लफ्रेंड चाहते थे वो भी 3,000 में होना इस साल का। इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, किसी बेघर को घर देना बहुत बड़ी बात है और आज की महंगाई के दौर में कोई एक बंगला 1.5 लाख रुपये में नहीं देता, तो इन्होंने पानी, बिजली, गैस की तमाम सहूलियात हुई, वहाँ पर इन्होंने 5-5 गले के प्लाट दिए। अल्लाह ताला इनको इसका अजर दे और फातिमा ट्रस्ट के साथ मिलकर शाना शाना काम करने की हिम्मत को बढ़ कर दी थी। तो मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इनके तावत से मैंने बहुत से गरीब लोगों की मदद की है, बहुत ज़्यादा लोग उनसे खुश हुए हैं और उम्मीद करती हूँ कि जब तक ज़िंदगी का साथ है इस काम को हम चलाते रहेंगे और आप जैसे अच्छे साथियों की जरूरत है कि आप इस को ताकि सब तक पहुँचाएँ। माशाल्लाह हम सरदार महसूस शाह को अप्रिशिएट करते हैं कि ये टेस्ट के साथ बहुत बड़ा साथ दे रहे हैं। सरदार महसूस साहब के अलावा भी आपके पास दोनों का मीटर है? नहीं, सरदार महसूस साहब के अलावा हमारे कोरोना से पहले बहुत से डोनर थे, कोरोना की वबा के बाद जो है ना बहुत से लोगों के मामला ख़राब हो गए, कारोबारी मामला जिसकी वजह से बहुत कम रह गई। उसके अलावा हमारी अपनी एक टीम है, बाकायदा फातिमा ट्रस्ट की टीम है, लेडीज़ की, जेंट्स की, जो ना सिर्फ ट्रस्ट को सपोर्ट करते हैं बल्कि तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों का ऑल पाकिस्तान में इस फातिमा ट्रस्ट से तमाम लोगों की घरेलू जरूरियात पूरी हो रही है। उम्मीद अल्लाह के महंगाई के इस दौर में, बेरोज़गारी के इस दौर में फातिमा ट्रस्ट ने 150 लोगों को घर भी दिए और घर चलाने का प्लेटफॉर्म भी दिया और इस ट्रस्ट से उनके तमाम घर की जरूरियात पूरी होती हैं। और इस पर जो है ना अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने मुझे इस काबिल बनाया और मज़ीद भी दुआ करती हूँ कि मज़ीद हमें इतने अच्छे काम करने की तौफीक दे। अल्लाह जी नाज़रीन, अब तक हमें जान दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।